मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पंजाब पहुंचे। दरअसल विधायक दल की जो बैठक पंजाब कांग्रेस भवन के बीच चल रही थी, उसके होते ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अपने अहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। अब इसमें आगे बड़ा सवाल ये होगा कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इन तमाम बातों को लेकर भी पंजाब कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान जो है वो माथापच्ची करने में जुटे होंगे, लेकिन जो कुछ भी पंजाब की सियासत में हुआ वह अपने आप में पूरी तरह से किसी प्रकरण से कम नहीं था, क्योंकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की बात की जाए तो वो चंडीगढ़ पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जो हैं और उनके साथ दूसरे उनके साथी चौधरी जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी पहुंचे थे। इन सभी की ओर से तैयार कर रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को सौंपी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरी तरह से साफ हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपना इस्तीफा देने के लिए गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं, यानी तय माना गया कि कैप्टन को उनके अहदे से हटाया जा रहा है। और जैसे ही कैप्टन अपने खेमे के साथ राजभवन से बाहर निकले अपना इस्तीफा देने के बाद, तो वो मीडिया से भी रूबरू हुए और आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या कहना था कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अपनी गवर्नमेंट का इस्तीफा दे के आया एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। बात ये है ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ दो महीनों में। पहले तो MLA को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में, आप तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, दो महीने में तीन बार आपने CL मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टर से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको विश्वासघात किया है आला कमान ने जिस तरह से लगातार। आई डोंट थिंक अबाउट दिस, ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इट इज द डिसीजन, व्हाटएवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया। किसानों की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट फॉर सर। आपके साथ कैबिनेट सर अगला एक्शन प्लान वाला है। देखिए कांग्रेस में रहेंगे, साइलेंट वन मिनट में अब बात तो करने नहीं देते। मैं कहना चाहना थोनू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है जिसन मर्जी वो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मैं मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री बनूगा जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसको कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूँ अपने जेरे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक सर, और मैं उनसे बात करूंगा। सुन चले आपने जो मर्जी कहना कह रहे हो, कैप्टन साहब आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ कांग्रेस CM साहब और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।